हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। ये बायोटेक्नोलॉजी जो कि FST-01 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर बनाया गया मेरा पहला वीडियो है। इसके सब्सिक्वेंट वीडियोस में, इसके बाद आने वाले वीडियोस में, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बाकी जो दो टेक्निकल आर्म्स हैं या जो दो अलग टेक्निक्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये चैनल सिर्फ एक पर्पज से बनाया गया है कि आपके इग्नू में ग्रेड्स इंप्रूव हो सकें। अगर आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट या कम्युनिटी सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर जाके स्टूडेंट हेल्प सर्च करके वहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो आप सीधी सी बात ये लिखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट माइक्रोब्स फॉर द यूज़ ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन बेनिफिट। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी वो एबिलिटी है, वो ताकत है जिससे कि आप कंट्रोल करते हैं और चेंजेस करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। और किन्हें चलाते हैं, तो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब है बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, फॉर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। अगेन, इसके मूल सिद्धांत में यह है कि ह्यूमंस का बेनिफिट हो, कि इंसानों की इससे भलाई हो। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगेन, बायोटेक्नोलॉजी सुन के लग रहा होगा एक बड़ा सा वर्ड है, बायो है फिर टेक्नोलॉजी भी है, तो हो सकता है कि कोई नया ब्रांच ऑफ साइंस हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हज़ारों सालों से ह्यूमंस करते आ रहे हैं। और इसका अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं, तो आपके फ्रिज में जो दही रखा है वो दही भी बायोटेक्नोलॉजी के ही एप्लीकेशन से बना है। इसके अलावा कई सारे और यूज़र्स हैं, चाहे वो चीज़ हो चाहे ब्रेड हो, इन चीज़ों को बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। डेफिनेशन अगर अच्छे से लिखना हो और आपको एकदम क्लियरली समझाना हो तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे कि द साइंस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग्स। अब पहले के दो डेफिनेशन और इसमें क्या फ़र्क है, पहले के दो डेफिनेशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और ये सब कुछ को इंक्लूड करता है। उसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स का भी यूज़ होता है। जैसे दही, दही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, तो ह्यूमंस की बेनिफिट्स के लिए। इसके अलावा सराउंडिंग्स के बेनिफिट्स के लिए आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आगे ये बताऊंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जब ऑर्गेनिजम्स, जिनको बग्स कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ओशन से प्लास्टिक्स को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया हैं ये सराउंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं और इंसान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस तरह से ये कम्प्लीट डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसका नोट आप ले सकते हैं हमारे ब्लॉग से। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने यूज़ किया है, उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने यूज़ की। एक था फर्मेंटेशन, जिसमें कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते थे फूड एंड बेवरेजेस को बनाने के लिए। अगेन, ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये चीज़ों को बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज़ होता है। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब कि वो एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना जिसमें कि वो क्वालिटीज़ हैं जो हमें चाहिए। अब समझो कि एक जंगली पेड़ है, जंगली मान लो अमरूद का पेड़ है, उसमें जिस तरह का अमरूद होगा वो उस तरह का अमरूद नहीं होगा जैसा हमें चाहिए। तो बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग ह्यूमंस ने उस चीज़ को इंश्योर किया कि जो क्वालिटीज़ या ट्रेट्स हमें चाहिए वही पेड़ आगे बढ़ सके और उन्हीं का पॉपुलेशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब सबसे एंशियंट वेज जो कि थे बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ के, वो थे फर्मेंटिंग के। कर्ड मतलब दही, चीज़, इसके अलावा विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं, ब्रेड, और आप छोले भटूरे खाते हैं उसमें जो भटूरा यूज़ होता है, अदर देन दिस अल्कोहल, शराब जो है, इन सबों का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी से होता है। कुछ का प्रोडक्शन फैक्ट्री लेवल पे होता है तो कुछ का प्रोडक्शन आपके घर में होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो कि है वो वैरीड है, फ्रॉम फैक्ट्री टू होम हर जगह यूज़ होता है। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके दो मेन टेक्निक्स हैं, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ये दोनों कमर्शियल आर्म्स हैं और इनको मेनली फैक्ट्रीज में ही यूज़ किया जाता है या लेबोरेटरीज़ में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मैं ये डेफिनेशन सिर्फ बताऊँगा, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सब मैं आपको इसके बाद आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी तीन डेफिनेशन हैं। अगेन, ये सबको आपको इंक्लूड करके एक डेफिनेशन में मर्ज करना है। तो पहला डेफिनेशन ये कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर
being used to change the genetic makeup of cells and move genes across species boundaries to produce novel organisms. मतलब कि ऐसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाना जिनमें कि दो तीन स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटीज़ हो बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक मेकअप. अब जेनेटिक मेकअप का मतलब यह है कि डीएनए में इस तरह के चेंजेस इनिशिएट करना कि जो नया ऑर्गेनिज्म बने वो दो तीन स्पीशीज़ के क्वालिटीज़ से बने. इसके अलावा अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन करना चाहें तो इसमें स्प्लाइसिंग किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, मतलब कि पहले उन्हें काटा जाता है और बाद में फिर उन्हें जोड़ा जाता है. वो पॉइंट्स, वो फ्रैगमेंट्स जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं, जब उनको जोड़ा जाता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. अब इसमें एक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो इंसुलिन होगा जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अगर स्पेसिफिक ट्रेट्स आपको ट्रांसफ़र करने हैं, स्पेसिफिक जीन्स आपको किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करनी है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल, तो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ होता है. अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन की ओर चलते हैं जो कि दूसरा टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी का. एंजाइम इमोबिलाइजेशन वो टेक्निक है जिससे कि कोई भी एंजाइम जो कि वेस्ट हो जाएगा, जो कि दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा, उसमें आप कोई बड़ा सी एक मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं. से फॉर एग्जांपल जिलेटिन की मॉलिक्यूल को आप जोड़ देते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल है ये उस एंजाइम को वेस्ट होने से बचा लेगा, क्योंकि एंजाइम वाटर सॉल्युबल होते हैं. जब भी कोई रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर जिलेटिन मॉलिक्यूल उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो वेस्ट नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट कमेगा. और इसी तरह जो कि यह इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम कमर्शियल वे में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. तो ये दो टेक्निक्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म. और इसके अलावा जो भी इन पर डिटेल वीडियोस हैं ये मैं बनाऊँगा जल्दी, तो उन वीडियोस को देखिए. और जो भी नोट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, तो एक बार उन्हें भी पढ़ लीजिए. उम्मीद करता हूँ इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका एफएसटी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ये अगेन वही टॉपिक्स हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर आपका भी कोई डाउट रहता है, कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो कि पूछा जा सकता है और अगर उस पर वीडियो नहीं है, तो आप वो कमेंट या कम्युनिटी सेक्शन पे बोल के मुझसे बोल सकते हैं कि सर इस पर भी वीडियो बना दीजिए. मुझे जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा. तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.